अरे रज्जो, संजय है गई है, रोटी बोटी बना ले, और आज मिट्टी को तेल उना है घर में। ए जी, तुम गए नहीं राशन की दुकान पे? अरे गया दुकान पे, राशन वाले ने कह दी एक महीना से तेल ना आया राशन को दुकान पे, सारे काम बारे परेशान है रहे हैं। एक जेई तो चारा है हमारे अंधेरे जीवन में, अब मिट्टी को तेल ना मिलेगा तो हम जीएंगे कैसे? अम्मा, अरे ओ अम्मा, क्या हुआ? अब बताओ मैं कैसे पढ़ाई करूं? ये दिया तो बुझ गया। हे राम, परीक्षा सर पर है और पढ़ाई करने के लिए कोई साधन नहीं। दिन में स्कूल, स्कूल से फिर खेत जाना पड़ता है, और शाम को थोड़ी देर पढ़ने बैठो तो ये अंधेरा परेशान करता है। अरे लाली, ये तो हम गरीबन का नसीब है, हम चाह कर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तू चिंता ना कर, ये ले बेटा, अब तो ठीक। चिंता कैसे ना करूं अम्मा, अगर बापू टोकरी नहीं बनाएंगे तो कल हाथ में बेचेंगे क्या, और अगर बेचेंगे नहीं तो पूरा हफ्ता घर कैसे चलेगा। चलो बापू, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, और हम दोनों मिलकर टोकरी बनाते हैं। तू रहने दे बेटा, तू जाके अपनी पढ़ाई कर। अरे मेरी छोरी इतनी सियानी है गई है जो अपने बापू की मदद करेगी? रहन दे लाली, ये छोरिन के काम ना है, छोरन के काम है। ला। बिल्कुल करूंगी, और बापू आपने ये लड़के लड़की की बात मत किया करो, मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपका बेटा भी। अच्छा अच्छा। ए जी, कल्लू के बापू बता रहे थे अब जल्दी हमारे गांव में भी बिजली आने वाली है। तू क्या घर में गई कल्लू के घर? अरे वो कल्लू की अम्मा ने बुलवाया था गेहूँ साफ करने के लिए, तभी गई थी। वहाँ पे जब कल्लू के बापू जब दफ्तर से लौटे ना, तो वो बता रहे थे कि जल्द ही हमारे गांव में बिजली आने वाली है। रहन दे, ऐसी बातन ने सुनते सुनते कान पक गए। चुनाव के टाइम बड़े बड़े नेता ऐसे ही वादे करे करे और चुनाव बीतते सब कुछ भूल जाने। हाँ जी, कहते तो तुम सही हो, ऐसा ही होता है। बापू देखो, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? अरे मेरे बेटे, तू तो बहुत अच्छा बोल रही है, तू तो मेरी मदद ऐसे कर रही है जैसे छोरी ना होके छोरा होवे। मैंने कहा था ना बापू, मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपका बेटा भी। हाँ। अच्छा छोड़िए, जा जाके अपनी पढ़ाई कर, तेरी परीक्षा भी तो है। अरे नहीं अम्मा, देखो मैं कैसे फटाफट टोकरी बना रही हूँ। बेटे छोड़िए सब, जाके अपनी पढ़ाई कर, तेरी परीक्षा कब से है? 10 तारीख से अम्मा। लाओ अम्मा सब्जी दे दो। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं कर लूंगी। अब मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा दो। अरे तू अपनी पढ़ाई कर ना। अरे नहीं अम्मा दो, ये देखा रज्जो, हमारी छोरी कितनी सियानी आ गई है, तेरी भी मदद कर रही है और मेरी भी। हाँ, सही कह रहे हो जी। मैंने कहा था ना बापू, मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपका बेटा भी। वो तो ठीक है लाली, पर पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। अरे पढ़ोगी लिखोगी तभी तो किसी बड़े ऑफिस में काम करोगी, तभी तो दो पैसे कमाओगी, उसी से तो हमारे दुख दूर होंगे। बिल्कुल करूँगी अम्मा, और देख लेना एक दिन अच्छे से पढ़ लिख के गाँव में कलेक्टर बन के सभी समस्याओं को दूर करूँगी। अच्छा? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने गांव में बिजली लेके आऊंगी। अच्छा, मेरी लाली और क्या क्या करेगी? अरे अरे अम्मा रुको, पहले मैं सब्जी देख लूँ, कहीं जल ना गई हो। बापू, चाय पियोगे क्या? चाय? अरे रहने दे लाली,
एक लालटेन से काका काम कर लेगी। अरे बापू, जब तक गांव में बिजली नहीं आती है तब तक मैं एक लालटेन से ही काम चलाऊंगी। अरे वाह मेरी बिटिया वाह। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाची। अरे नमस्ते दीदी। कैसे पूरे आंगन में अंधेरा कर रखा है। अरे बेटा, हम गरीबों की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। आज तो हमारे आंगन में भी अंधेरा हो गया। अरे तू खड़ी क्यों है, बैठना। अरे हाँ दीदी। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ। अरे गीता ये ले लो तुम्हारे नोट्स। ठीक है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ तुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। हाँ दीदी। और चाचा चाची, बहुत जल्दी अब हम गांव वालों की भी जिंदगी से अंधेरा दूर होने वाला है। कहाँ से बेटा, राशन की दुकान में तेल नहीं है और शाम से बेचारी गीता इस लालटेन को यहाँ से वहाँ कर रही है। चाची आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की है। रहने दे बिटिया रहने दे, हर 5 बरस बाद हम यही सब बातें सुनते आए हैं। चुनाव के वक्त लोग, नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म सारे के सारे वादे भी खत्म। नहीं चाचा, इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय भी निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा है 1000 दिन के अंदर, यानी कि 1 मई 2018 तक भारतवर्ष के जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां तक बिजली पहुंचाई जाएगी। अच्छा। बिल्कुल ठीक दीदी। और इसके लिए सरकार ने 18,452 गांव को चुना है। अच्छा। और चाचा पता है सरकार ने 35,477 करोड़ रुपए की बचत सहायता भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल की है। ए जी, मैं तुम्हें कह रही थी ना, कल्लू का बापू भी ऐसे ही कुछ बता रहा था। बिल्कुल चाची, उन्हें तो पता ही होगा, वो कलेक्टर के वहाँ नौकरी जो करता है। और चाचा हमारे गांव में बिजली आने से सिर्फ हमारे आंगन के अंधकार ही दूर नहीं होगा बल्कि हमारे जीवन के अंधकार भी दूर होगा। वो कैसे बेटा? देखो चाचा, विद्युतीकरण तरीके से खेती होगी और इससे हमारी आमदनी में बरकत होगी। और तो और चाचा, हमारे गांव में टेलीविजन टेलीफोन की भी पहुंच होगी। अरे वाह दीदी, इसका मतलब हमारे गांव में भी टेलीविजन और मोबाइल आएंगे, तब तो हमारे स्कूल में भी बिजली आएगी। बिल्कुल आएगी बेटा, स्कूल अस्पताल कोतवाली हर जगह पर आएगी। अच्छा, हर जगह पर? हाँ चाचा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर तरफ से हमारी आमदनी में बरकत होगी। वो कैसे बेटा? देखो चाचा, आप दिन भर में कितने टोकरी बनाते हैं? खेत से आने के बाद यही कोई 4 या 5, बस उसके बाद अंधेरा हो जाता है। वही तो चाचा, जब बिजली आपके घर में आएगी तो आप 4 के जगह में 8 टोकरियां बनाएंगे, तो होगी ना आपकी आमदनी में बरकत। अरे बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे गाँव के लिए। अब तो गांव के हर घर घर में उजाला होगा। पर एक बात बता बेटा, ये पहले बिजली आएगी हमारे घर में या कल्लू के घर में? अरे तेरा तो दिमाग खराब है, बिजली आएगी तो पूरे गांव में आएगी, हर घर में आएगी। अरे चाचा इतने देर से बात करे, अभी चाय तो पिला दो। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं। ए लाली जा, दूध में पत्ती डाल के ला बढ़िया तरीके से, जा जल्दी। और हाँ राजू, वो लड्डू निकाल लियो डिब्बे में से। निकाल लूंगी निकाल लूंगी। और सुन लियो, हाँ। साथ वाले डिब्बे में दाल सेब रखी है। अरे सब निकाल लूंगी। जा जल्दी से जा। हाँ तुम चिंता ना करो। अब ना रहेगा अंधकार ना होगी परेशानी, हर तरफ होगी रोशनी ही रोशनी। रोशन रहेगा भारत का हर गांव।